अस्सलामुअलैकुम। सो आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू दूंगी डेपी लाइफ के ये टोनर के बारे में। ये टोनर बनाया गया है विटामिन सी विद नाइसिनमाइड सीरम के साथ, और ये टोनर काम करता है स्किन को एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है एंड इल्यूमिनार करता है, मतलब स्किन को ब्राइट करता है। ओके, सबसे पहले ये है मैकडोना की एक प्रोडक्ट, इसका ब्रांड है डेपी लाइफ। ये स्पेन की बहुत फेमस प्रोडक्ट है। स्पेन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली स्किन केयर जो होती है वो डेपी लाइफ की, और मैकडोना की प्रोडक्ट्स ज़्यादातर यहाँ पर स्पेन में वायरल भी होती हैं। ज़्यादातर यहाँ पर लोग इसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट बहुत ही चीप होती है, बहुत सस्ती होती है और बहुत अच्छी होती है। लेकिन आज हम इसके बारे में रिव्यू देंगे। ओके, ये है एक फेशियल क्लींजर टोनर है ये। इसमें इन्होंने दो मेन इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हुए हैं। नंबर वन पर है विटामिन सी एंड नंबर टू पर है नाइसिनमाइड सीरम। नॉर्मली तो विटामिन सी एंड नाइसिनमाइड सीरम का जब कॉम्बो होता है तो आपकी स्किन पर इरिटेशन पैदा होने लग जाती है, स्किन के ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है, पिंपल या एक्नी आ जाती है, या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देती है। बिकॉज दोनों अलग अलग फार्मूला बने हुए हैं। कुछ केमिस्ट, कुछ लेबोरेटरी वाले कहते हैं कि आप इसको इस्तेमाल करें, कुछ कहते हैं नहीं करें। सो अगर आप कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, दो सीरम्स आप विटामिन सी एंड नाइसिनमाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी स्किन पर रिएक्शन आ सकते हैं। लेकिन जो ये टोनर है इससे ऐसा कुछ नहीं होगा। विटामिन सी क्या काम करता है? विटामिन सी स्किन को लाइट करता है, स्किन को ब्राइट करता है, स्किन को सूथ करता है एंड स्किन के लिए एक अच्छी गजा है। जबकि नाइसिनमाइड सीरम स्किन पर जितने भी पोर्स होते हैं ये उनको श्रिंक करता है, उनको रिड्यूस करता है। स्किन के ऊपर जितने भी टेक्सचर स्किन का अनइवन स्किन को ठीक करता है, स्किन का टेक्सचर ठीक करता है और स्किन को ब्राइटनिंग में हेल्प करता है। इट्स मीन के विटामिन सी विद नाइसिनमाइड सीरम जब दोनों इकट्ठे मिलेंगे तो आपकी स्किन का ये ब्राइटनिंग में हेल्प देंगे। सो ये बना गया है टोनर। टोनर क्या काम करता है? जब हम अपनी स्किन को वॉश करते हैं, स्किन को वॉश करने के बाद हमारी स्किन का पीएच लेवल ठीक नहीं रह जाता है या हमारा पीएच लेवल इम्बेलेंस हो जाता है। सो आफ्टर क्लींजर आपने इस टोनर को अप्लाई करना है। यह स्किन का पीएच लेवल ठीक करता है। नंबर टू पर एज अ टोनर या आपकी स्किन को एज अ आफ्टर क्लींजिंग, हमारे स्किन के जो पोर्स होते हैं सबसे पहले जाने वाली गजा उनके लिए विटामिन सी एंड नाइसिनमाइड सीरम का ये टोनर होगा। जाते ही आपकी स्किन फ्रेश हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी। इसका जो टेक्सचर है ना ये एक तरह का वाटर है, लेकिन नॉर्मल पानी की तरह नहीं है जैसे दूसरी प्रोडक्ट होती है, दूसरे टोनर होते हैं कि आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपका ये ड्राई हो जाएगा। नहीं, इसमें हल्का सा लिटिल बिट ऑयल भी ऐड किया हुआ है, मतलब कि ऐसा ऑयल नहीं है, एक ड्राई टच करने वाला ऑयल है कि आप इसको अप्लाई करते हैं ये ड्राई हो जाता है, लेकिन फिर भी आपकी स्किन को एक स्मूथ बना देता है। पानी नहीं है, जैसे हम थर्मल वाटर का इस्तेमाल करते हैं ना, अवेने का थर्मल वाटर टोनर के तौर पर या कोई और टोनर तो एकदम ड्राई, ऐसा नहीं है। इसको अप्लाई करने के बाद स्किन एकदम स्मूथ हो जाती है। इट्स मीन कि इन्होंने हल्का सा इसमें या तो ग्लिसरीन ऐड की हुई है या इसमें कुछ और फार्मूला इन्होंने ऐड किया हुआ है कि ये अप्लाई करने के बाद स्किन स्मूथ हो जाए। सो 250 ml आपको मिल जाएगा 6-7 यूरो के अंदर अंदर। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स में है विटामिन सी है, मैं दोबारा चेक करने लगी हूँ। विटामिन सी है, AHA एसिड है, अल्फा हाइड्रोक्साइड है जो स्किन को हेल्प करता है न्यू सेल्स बनाने में, स्किन के फंक्शंस को ठीक करता है, स्किन में रिफोर्सार करता है, स्किन को मतलब कि हेल्थी बनाता है ताकि उसके बैरियर्स ठीक हो, और जो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हमारी स्किन में है तो हमारे बैरियर्स उसके साथ उसको रिपेयर कर सके जितनी जल्दी हो सके। सो मेरी तरफ से ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी तरफ इसकी प्राइस की अगर बात की जाए तो प्राइस भी इसकी बहुत अफोर्डेबल होती है, आप बहुत कम प्राइस में एक अच्छी प्रोडक्ट इंजॉय कर सकते हैं मैकडोना के। दैट्स व्हाई मुझे प्रोडक्ट्स हमेशा ही अच्छी लगती हैं। ओके, सो कौन सी एज वाले इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? हर एज वाले इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, टीनेजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी कि आप अगर आपकी टीनेज है, आपकी स्किन ठीक है, तो आप इन सब प्रोडक्ट से दूर रहें। टोनर से या जो भी एक तरह की होती है इट्स गुड वन, लेकिन आप टीनेजर की स्किन वैसे ही ठीक होती है तो आप टोनर इतनी स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ये 20 हैं और आप अपना प्रॉपर स्किन केयर रूटीन रखना चाहते हैं तो इट्स गुड वन कि आप टोनर भी इस्तेमाल करें अपने स्किन केयर रूटीन में, उसके बाद आप सीरम भी इस्तेमाल कर सकती हैं या सनब्लॉक या मॉइस्चराइजर। अब आप इसको मॉर्निंग में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप नाइट में भी अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर क्लींजर। यस, अगर आप मॉर्निंग में इसको अप्लाई करने के बाद विटामिन सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइसिनमाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको अप्लाई करने के बाद आपने दोबारा मिस्टेक नहीं करनी, विटामिन सी एंड नाइसिनमाइड सीरम को अप्लाई नहीं करना। इसको अप्लाई करने के बाद या तो विटामिन सी अप्लाई कर लें या नाइसिनमाइड इस्तेमाल कर लें, बिकॉज नहीं पता कि आपकी स्किन पर ये कैसा रिएक्शन देगी। सो एज अ प्रिकॉशन कि आप जस्ट एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, विटामिन सी सुबह कर लें, नाइसिनमाइड रात को कर लें, तो आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी और बैरियर्स भी आपके ठीक रहेंगे। अब आता है कि आपने रेटिनोल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई भी और तरह की चीज़ या सीरम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ कोशिश करें कि अवॉइड करें इस, क्योंकि इसमें प्रिंसिपियो एक्टिवो है, क्योंकि फर्स्ट जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई ग्लाइकोलिक इस्तेमाल कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं, रेटिनोल या कोई भी और सीरम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे पहले आप अगर ये इस्तेमाल करेंगे
कोई भी डिफरेंट प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें तो मे बी इसके रिएक्शन आ जाए। सो कोशिश करें कि मॉर्निंग में वाइटामिन सी रात को नाइसिनमाइड सीरम इस्तेमाल करें, या अगर आप डेली बेसिस पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दिन में आप इसको ये इस्तेमाल कर लें आपकी जो भी स्किन के रूटीन है, और रात में आप एक्सफिलिएशन का टोनर, एक्सफिलिएशन का स्क्रब या रेटिनॉल जो भी इस्तेमाल करनी है उसके साथ आप हाइड्रेटिंग टोनर, जो थर्मल वाटर का टोनर होता है, आप वो इस्तेमाल कर लें। सो मॉर्निंग में प्रिंसिप्यो एक्टिवो जो होते हैं वो आप सुबह के तौर पर ही इसको इस्तेमाल करें। सो नाइट में मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी। सो आई होप दिस हेल्प्स। फॉलो करना नहीं भूलना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगर आपको कोई भी इसके बारे में कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं कि ये सवाल या ये वाली चीज़ मैंने मिस की है इस सारी वीडियो में। आई होप दिस हेल्प। सो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए या मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। तो हमें याद रखिएगा।